हमने दो ऐसे चाइनीज ऐप्स के अगेंस्ट एक्शन लिया था और करीब 16 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें चाइनीज नेशनल्स भी थे, जो मलेशियस नेचर के ऐप्स थे और लोगों के बीच में पुश किए जा रहे थे और उनके पैसे चीट कर रहे थे। एक मैसेज फ्रॉड था। उसी तरीके का एक नेटवर्क हमें दोबारा नोटिस हुआ मई के सेकेंड वीक में। हमने नोटिस किया कि सोशल मीडिया पे कई लोग चर्चा कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ ऐप्स के बारे में। एक पावर बैंक नाम का ऐप काफ़ी चर्चा में था, इसके अलावा ईजी प्लान EZPlan नाम का ऐप था, सन फैक्ट्री, इस तरह के बहुत से ऐप की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही थी, लोग इनके बारे में कंप्लेंट्स भी कर रहे थे। तो प्रोएक्टिवली एक्ट करते हुए हमने इन ऐप्स को डाउनलोड किया और इनकी एनालिसिस अपनी जो फोरेंसिक लैब है NCFL वहाँ पर कराया, साथ ही साथ एज ए डिकॉय यूज़र बन के इन ऐप्स पर रजिस्टर किया और इनमें जो पेमेंट का तरीका था उस माध्यम से पेमेंट किया। ऐप्स की जो एनालिसिस की गई फोरेंसिक लैब में, उससे काफ़ी स्टार्टलिंग रिजल्ट्स पता चले हमें। पहली भी चीज़ जो नोटिस की हमने कि ये ऐप्स जिस यूज़र के डिवाइस में डाउनलोड हो रहे थे, इंस्टॉल हो रहे थे, उसका डेटा स्टील कर रहे थे और ये डेटा बाहर के सर्वर्स में भेजा जा रहा था। जो इनिशियल ट्रेसेस हमें मिले वो सर्वर्स इंडिया से बाहर के थे, कुछ चाइनीज सर्वर्स की IPs थी। जो दूसरी चीज़ हमने नोटिस की कि इस ऐप के अंदर एक स्कीम जो कि क्विक मनी अर्निंग, जल्दी से पैसा कमाने की स्कीम पुश की जा रही थी। इस स्कीम में डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे रिटर्न्स देने का प्रोविजन था और ये ऐप्स एक बिजनेस मॉडल का खाका बना के पुश कर रहे थे, जो कि एज अ स्टार्टअप, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, उस तरीके का एक अमली जामा उसको पहनाया हुआ था। फॉर इंस्टेंस जो पावर बैंक ऐप है और सन फैक्ट्री ऐप है, इन्होंने ये कहा कि वो एक बेंगलोर बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो लोगों को जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके माध्यम से वो चार्जिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे और उससे जो रिटर्न्स आएंगे वो इनको देंगे। तो इस तरह का एक फर्जीवाड़ा क्रिएट करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके लोगों को कन्विंस करके ऐप के माध्यम से ये उनसे पैसे इन्वेस्ट करा रहे हैं। लोगों को ल्यूर करने के लिए और अपनी स्कीम को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए इन्होंने दो चीज़ की। पहली, जो भी पैसा इन्वेस्ट करते थे लोग शुरुआत में उसका 10% ये दे देते थे। इसके अलावा ये उनको इंड्यूस करते थे, प्रेरित करते थे कि आप इसका लिंक अपने साथियों में शेयर कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनसे शेयर कीजिए। इस वजह से यह ऐप बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, यहाँ तक कि अप्रैल मई के बीच में पावर बैंक ऐप जो था वो गूगल प्ले स्टोर पे top 5 में चल रहा था और मिलियंस ऑफ यूजर्स ने इसको डाउनलोड किया। कुछ ऐप जो थे वो प्ले स्टोर के माध्यम से नहीं, डायरेक्टली यूजर्स को लिंक के माध्यम से भेजे जा रहे थे, पुश किए जा रहे थे। ये YouTube के चैनल चलते हैं उनके माध्यम से, टेलीग्राम के चैनल्स के माध्यम से और यहाँ तक कि बल्क मैसेजेस के माध्यम से लोगों के बीच में पुश किए जाते हैं। जो मनी ट्रेल, इसमें जैसे हमने बताया कि डिकॉय यूज़र बनके हमने इसमें पेमेंट की, तो उस मनी ट्रेल को जब हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि जो पैसा है वो पेमेंट गेटवे से होते हुए मल्टीपल शेल कंपनीज में रूट हो रहा है और करोड़ों रुपया इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से कुछ अकाउंट्स में जा रहा है, फिर वहाँ से उसको लॉन्डर करने के लिए, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए इसको 25 के आसपास शेल कंपनीज और उनके बैंक अकाउंट्स में भेजा जा रहा है। इस एनालिसिस के बाद इन द मीन टाइम हमें एक कंप्लेंट मिलती है जो इजी प्लान ऐप है उसके अगेंस्ट में और बाकी जो ऐप्स हैं उसके ऊपर हमने केस रजिस्टर किया और इन डमी कंपनीज, जो शेल कंपनीज हैं, इनके जो डमी डायरेक्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको खुलवाने में रिस्पॉन्सिबल थे उनको आइडेंटिफाई किया और एक कोलकाता के पास उलबेरिया जगह है वहाँ पे एक हमें ऐसा लगा जैसे कोई सेंटर चल रहा है जहाँ, क्योंकि 30 से ज़्यादा अकाउंट्स वहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, 30 से ज़्यादा मोबाइल फोन वहाँ चल रहे थे, वहाँ पे हमने रेड की और ये साइमल्टेनियस रेड NCR रीजन में और वहाँ पे की गई। वहाँ से हमने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, बाद में फिर 2 लोगों को और जो कि इन कंपनीज को खुलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको गिरफ्तार किया। इन लोगों से जब हमने पूछताछ की और स्टार्टिंग फैक्ट्स में पता चले, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस की गई कि ये सारे लोग जो थे वो चाइनीज़ नेशनल्स के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे थे, उनके बताने के हिसाब से ये अकाउंट खुलवाते थे, कंपनीज खुलवाते थे और अकाउंट्स के कस्टोडियन बनके
इन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करना, उससे पैसे को मूव कराना, ये सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं। हमें जो चीज़ हमने नोटिस की कि करीब 5-6 चाइनीज नेशनल्स, जिनमें से काफ़ी पहले इंडिया में रह चुके हैं अर्ली 2020-2019 में, वो इनको पहले से जानते हैं और उन्होंने ही इनके माध्यम से इन शेल कंपनीज को बनवाया और उनके अकाउंट्स को खुलवाया और उनका एक्सेस किया। एक और चीज़ हमें पता चली कि कई ऐसे लोग इनके लिए काम कर रहे हैं जो ओरिजिनली इनको नहीं जानते हैं, वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब के माध्यम से इनको इनके टच में आए। टेलीग्राम चैनल पर इन्होंने उनको अप्रोच किया और अपने लिए काम करने के लिए कहा। इस तरीके से इन्होंने देश के अलग अलग कोनों में ऐसे लोगों को रिक्रूट कर लिया एक तरीके से, जो इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए अकाउंट्स खुलवा रहे हैं और इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग फैक्ट्स हमें पता चले। इन्वेस्टिगेशन में जो सीए अरेस्ट किए गए, उसमें से एक सीए जिसको हमने अरेस्ट किया गुड़गांव से, अभी केडियर, इन्होंने 110 से ज़्यादा कंपनीज बना के इन चाइनीज नेशनल्स को प्रोवाइड की। और ये जो कंपनीज बनाई गई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कंपनीज को ये प्रोवाइड करते थे। उनको कंपनीज के जो डायरेक्टर्स थे वो डमी डायरेक्टर्स थे, या तो इनके लिए काम करने वाले लोग या इनके परिवार के सदस्य, उनको एज डायरेक्टर्स बनाते थे। कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी का एक करंट अकाउंट बैंक में खोला जाता था, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता था GST में। ये सारे चीज़ें करने के बाद पूरी की पूरी कंपनी का जो पावर है टू यूज़ इट, वो उनको ट्रांसफ़र कर देते थे। उनका अकाउंट की डिटेल्स उनको दे देते थे ताकि वो नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर सके। इस तरीके से ढेर सारी शेल कंपनीज बनाई गई, ढेर सारे डमी अकाउंट्स क्रिएट किए गए और ढेर सारे लोगों को रिक्रूट करके इस बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया गया। जो अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन है, उससे हमें ये पता चला है कि टोटल 150 करोड़ से ज़्यादा रुपए इनके अकाउंट में आए हैं, जो पेमेंट गेटवेज के थ्रू और UPI के थ्रू भी पेमेंट हुए हैं अलग अलग अकाउंट्स में। तो सैकड़ों अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। 150 करोड़ का कन्फर्म्ड अमाउंट हम अब तक टैली कर पाए हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और अभी हमारे पास सिर्फ 2 पेमेंट गेटवे से डिटेल्स आई हैं, बाकी ऐसी डिटेल आएंगी तो इनकी संख्या बढ़ सकती है और जो फ्रॉड का अमाउंट है वो 200-250 करोड़ के आसपास जाने की संभावना है। एक और चीज़ जो हमने नोटिस की कि पैसे का जो मूवमेंट हो रहा है वो शेल कंपनी से होते हुए इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि थ्रू क्रिप्टो करेंसी इसको बाहर भेजा जा रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी हमारी रेड्स भी जारी हैं अलग अलग जगहों पर। ऐसा उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग इसमें आइडेंटिफाई होंगे, अरेस्ट होंगे। हमारी कोशिश है कि जो चाइनीज नेशनल इनके पीछे ऑपरेट कर रहे हैं उनकी वेयरबाउट्स को चेक किया जाए। इसमें कुछ फ़ोन नंबर्स ऐसे हैं जो इंडिया से इशूड हैं, वो अभी चाइना में चल रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से इनके पास इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। धन्यवाद। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से जो जनता है उसको ये आगाह करना चाहूँगा कि ये जो क्विक मनी अर्निंग ऐप्स हैं, ये अलग अलग नाम से चल रहे हैं, ये सारे ऐप्स मलेशियस हैं। ये आपके डिवाइस का डेटा चुरा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको चीट कर रहे हैं। लोगों से जो गरीब तबके का आदमी है वो कम रकम डाल रहा है, जो थोड़ा ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है वो ज़्यादा डाल रहा है। कई लोग लोन लेके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और सभी के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो आप इससे आगाह रहें, ना इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करें, ना ही इसको आगे किसी को शेयर करें, क्योंकि आप खुद तो अपना नुकसान करेंगे ही, आपके जानने वालों का भी नुकसान होगा। सर, जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनकी प्रोफाइल क्या है, तो कौन मास्टरमाइंड है, मतलब किसका क्या रोल? जो अब तक एक्यूज पकड़े गए हैं 11, वो जैसा मैंने आपको बताया, जो पश्चिम बंगाल से हमने पकड़ा उसको उन्होंने टेलीग्राम चैनल से आइडेंटिफाई किया था, वो उस पर एक्टिव था, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसको अलग से उन्होंने मैसेज किया और अपने लिए काम करने के लिए कहा। उसने पहले उनके लिए एक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल के दिया, फिर लेटर ऑन ही बिकेम द कस्टोडियन ऑफ ऑल द अकाउंट्स। उसके पास इस समय 30 अकाउंट्स चल रहे थे जब हमने रेड किया उसको पकड़ा, 30 अकाउंट्स वो ऑपरेट कर रहा था उनके बिहाव पे और 30 फोन उसके पास थे अलग अलग, इनके थ्रू वो ये सारी गतिविधि कर रहा था। उसका नाम है रॉबिन अली है, जिसको हमने अरेस्ट किया है कुलबेरिया वेस्ट बंगाल से। उसका एक साथी था रमीज, उसको अरेस्ट किया है। इसके अलावा 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनका मैंने जिक्र पहले किया, अभिक केडिया और रौनक बंसल, इनको हमने अरेस्ट किया है। अभिक केडिया ने 110 के आसपास कंपनीज बना के इनको दी हैं। हर कंपनी को बनाने के लिए उसके जितने डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनका एक करंट अकाउंट खुलवाना, उनका GST रजिस्ट्रेशन करवाना, ऐसा करके वो उनको कंपनी प्रोवाइड करता था और उसके 2-3 लाख रुपये चार्ज करता था पर कंपनी। सर, एक चीज़ बताइए, जैसे जो भी इन्वेस्टर है जिसको करके बोल सकते हैं, मान लो मैंने इनिशियली कितना पेमेंट मांगते थे, 5,000 मांगा, 10 मांगा, 500 मांगा, और जब मैंने पेमेंट कर दिया, पत्ते में मेरे को रिटर्न कैसे आता?
पेमेंट शुरुआत होती थी, इन्होंने बहुत ही लो बेंचमार्क रखा हुआ था इसमें इन्वेस्ट करने का, रुपीज़ 300 और ऊपर की कोई लिमिट नहीं थी, लोगों ने लाखों रुपये इन्वेस्ट किए हैं। जो रिटर्न्स आते थे वो भी इसी ऐप के माध्यम से आते थे और उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते थे, जिस तरीके से आपने पेमेंट किया उसी तरीके से आपके पास वापस आते थे। कई लोगों के पेमेंट जो है वो ऐप में तो दिखती थी लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आते, तो इस तरीके से भी ये लोगों को रिसीव करते थे और उनको ये झांसा देते थे कि आपके पास पेमेंट आ रही है जबकि कोई पेमेंट नहीं आ रही। सर ये लोग शिकार हुए इसमें, सर जो कितने लोग इसमें शिकार हुए हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि 5 लाख लोगों का रिकॉर्ड तो हमें पेमेंट गेटवे से मिल गया है, इसके अलावा डायरेक्ट ही UPI के माध्यम से अकाउंट में पेमेंट होते थे, वो सारी डिटेल्स अभी खंगाली जा रही है। इस ऐप को डाउनलोड करने वाले तो 50 लाख से ज़्यादा लोग हैं, अगर आप रिज्यूम करें कि 50 लाख लोग जिन्होंने डाउनलोड किया है, ऐसे लोग हैं जिनके पास डायरेक्टली लिंक जा रहा है थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल, तो संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। सर ये एक सवाल ये है कि ये सेड दैट कपल ऑफ चाइनीज पीपल वेर फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट, डू यू सी एनी लार्जर मोटिव, स्टेट स्पॉन्सर मोटिव, और इट इज जस्ट द इंडिविजुअल रोग एलिमेंट फ्रॉम चाइना हु वेर इन्वॉल्व्ड इन इट? व्हाट वी कैन इन्फर इज दैट देयर इज अ मोटिव टू चीट एट अ वेरी लार्ज स्केल, द स्केल इज लाइक कंट्री वाइड स्केल, बिकॉज दीज पीपल आर ऑपरेटिंग मल्टीपल एप्स विद डिफरेंट नेम्स एंड कोर कर्नल ऑफ दैट ऐप रिमेंस द सेम। द आइडिया इज टू इंड्यूस पीपल टू इन्वेस्ट ऑन various names, it could be a technology startup, it could be an advertising plan, like in the last one that we did, they were taking money for, you know, making people earn for liking and following social media profiles. So इस तरीके से ये लोगों को चीट कर रहे हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे ऐप्स मलिशियस हैं, जो एंटी वायरस जो एप्लीकेशन हैं वो उनको फ्लैग करते हैं एज मलिशियस, हमारी लैब्स हमने चेक किया, और ये आपका डेटा स्टील कर रहे हैं। कई ऐप्स ऐसे हैं जो टू इंस्टॉल एडिशनल एप्लीकेशन एडिशनल सॉफ्टवेयर, वो परमिशन आपसे बाय डिफॉल्ट ले ले रहे हैं, उसके बाद वो ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर स्टीलिंग डेटा। नाउ दिस डेटा कैन बी यूज फॉर फर्दर फ्रॉड, दिस डेटा कैन बी यूज अगेंस्ट यू नो द नेशन ओन नेफेरियस डिजाइन। सॉरी मैं आपसे दोबारा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए इतनी मैसिव ट्रांजेक्शन हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि दैट विल टेक लॉट टाइम टू एनालाइज। सिंपल जो MLM फ्रॉड का जो मॉडल है उसमें इसको बोलते हैं रिफरल इंसेंटिव, आप किसी को अगर रिफर करते हैं तो उसके बदले आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ये रिफरल इंसेंटिव का मॉडल था। उसी हिसाब से इन्होंने जो पे आउट्स करते थे, पे आउट मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो तकरीबन 10% ये वापस करते थे ताकि और ज़्यादा लोग उसमें ज़्यादा, तो आपको बेहतर पता होगा कि कैसे ये लोगों को इंड्यूस करते हैं और चीट करते हैं।